हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम रोडीज के एपिसोड नंबर 37 के कंफर्म टास्क विनर की बात करेंगे और साथ ही हमें क्या क्या ट्विस्ट देखने को मिल सकता है उस पर भी बात करेंगे और जो अभी सचिन और सिवित का कंट्रोवर्सी उठा है इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको भी जानना हो तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोवर्सी की ही बात कर लेते हैं। तो भाई ये शुरू होता है कि ऋषभ ने एक दो पोस्ट किया था कि सचिन हाफ जाता है। अभी आपने दो तीन टास्क में देखा कि सचिन का टास्क परफॉर्म करने के बाद भाई बहुत गंदी हालत हो जाती है। तो कुछ उन्हीं सब के ऊपर उन्होंने कुछ बोला था सिवित ने, और साथ ही एक रील भी अपलोड किया था जिसमें स्टार्टिंग के टाइम पे सिवित को ट्रोल नहीं किया जाता था सिवित और वासु के कि वर्स्ट परफॉर्मर है, बट अभी वो बहुत बढ़िया दोनों परफॉर्म करने लग गए है। तो कुछ यही सब चीजें अपने लाइव में बोला था और थोड़ा टोंट मारते हुए कहा था। तो इस बात पर सचिन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, फैमिली तक पे चले जाते हैं, मतलब कि सिवित की फैमिली के ऊपर भी चले जाते हैं। तो मैं एक बार क्लिप आपको दिखा देता हूँ, आप सब चीज एक बार खुद ही देख लो। दूसरी चीज, किसी के नाम में चार चार कर नहीं पहुंचाओ तेरी तरह, ठीक है? अपने हार्ड वर्क और मेहनत से पहुंचाओ, ठीक है? तो ये बात बोलनी नहीं है पर मैं बोल देता हूँ कि अगर आपको कोई लड़की भाव नहीं दे रही है शो पे तो आप उसके बारे में बैड विच करते हो। मुझे आके तूने बोला था भाई आकृति के बारे में कि ऐसा है वैसा है, बट किसी की इमेज तो मत खराब करो यार कम से कम। अब मैं तुम नहीं है, दूसरे लोग तो हैं, वेल फैमिली से कम से कम, तुम कम से कम उस चीज का तो ख्याल रखो यार। तुम आके मुझे 10 चीजें उसके बारे में बोल रहे हो, ऐसी चीजें बोल रहे हो, मेरे कान भर रहे हो उन सब परिवार से। कुछ नहीं बोल रहा था, कह रहा तुम होंगे ऐसे परिवारों से, हम नहीं आते ऐसे परिवारों में। इतनी लाइव हो गई मैंने कभी, इतनी लाइव हो गई मेरी, मैंने कभी किसी के परिवार के बारे में कुछ नहीं बोला। मैंने कॉन्ट्रोवर्सी छोड़ रखी, मैं कुछ नहीं बोल रहा था यार लाइव का। मैंने आज लाइव पे सिर्फ इतना बोला कि सांसें भर गई थी उसकी, भरी थी नहीं भरी थी, और भी हंस के बोल रहा था मजाक में। तुमने पूरे शो में बोल रखा है कि मैंने हगा है टास्क, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बाहर आके भी तुम बोल रहे हो लाइव पे। अब अगर मैं बोल रहा था तुम्हारे चुभ रही है तो तुम मेरे परिवार तक चले जा रहे हो। आकृति जब आई तब सचिन उस पर लट्टू हो रहा था, तो मैंने सचिन को एज अ भाई बोला, भाई मैंने एक बार उससे बात कर ली, मेरा कुछ था बाहर उससे, अगर उसको वो नहीं रखना तो कोई नहीं, तू कंटिन्यू कर। ये स्टेटमेंट है मेरा, ये लड़की का मैटर मत उठाओ, शो की बातें करो, बोलो कि मैंने हगा है मैटर हटाओ, साइड करो, लड़की का कोई मैटर नहीं है, लड़की का मैटर वो सब बेकार है, वो सब फालतू है। Let me speak, मैं सॉरी बोलना आया था कि इसे कुछ बुरा लग गया, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ लाइफ में सॉरी बोलना आया था कि सचिन कुछ बुरा लगा है, तो भाई आई एम सॉरी। भाई खुद से लड़ो ना, एक दूसरे से लड़ो, तुम परिवार को घसीट रहे हो बीच में, फैमिली वाली बात तो ऑब्वियस है भाई, कोई अरे ये कौन सी बात है, बोल लूं ये कौन सी बात है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिला, इसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगली बात कर लेते हैं अब सीधा एपिसोड नंबर 37 की। तो देखो हमें पिछला टास्क देखने को मिला था एपिसोड नंबर 36 में, एक इम्यूनिटी टास्क था। तो यार एपिसोड नंबर 37 का जो टास्क है ना, वो जहां तक मुझे लग रहा है वो एक रोडियम टास्क होने वाला है, ना कि टिकट टू फिनाले। मैं इसके ऊपर एकदम कंफर्म नहीं हूं, बट मैं ये अपना ओपिनियन दे रहा हूं, वो एक रोडियम टास्क होगा और उसके बाद हमें अगेन एक वोट आउट देखने को मिलेगा और वोट आउट के बाद हमें देखने को मिलेगा टिकट टू फिनाले टास्क। क्योंकि यार ऐसा फील हो रहा है कि वो टिकट टू फिनाले टास्क नहीं है। आपने देखा है कि टिकट टू फिनाले टास्क जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, देख के फील होता है कि हाँ भाई ये फिनाले का टास्क है, बट वो जो टास्क है ना वो हर सीजन हमें देखने को मिलता है। उसमें हमें एक चीज देखने को मिल सकता है कि जो भी टीम लास्ट आएगी ना वो सीधा आउट हो जाएगी, दोनों प्लेयर घर चले जाएंगे, ये एक ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है। बट वो टास्क देख के ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो एक टिकट टू फिनाले टास्क है। अपन सीधा विनर की बात कर लेते हैं, तो वो वाला टास्क जो एपिसोड नंबर 37 का, अब टास्क कोई सा भी हो बट गौतम की गैंग वो वाला टास्क जीतने वाली है। और आप खुद ही सोचो कि भाई कोई टिकट टू फिनाले टास्क में अपने वीकेस्ट प्लेयर को थोड़ी ना भेजेगा। चलो प्रिंस की टीम में माना कि आशिका और पीहू एक स्ट्रांग प्लेयर है तो उनको भेजा जा सकता है, बट रिया मैम आपको लग रहा है कि ऋषभ और वासु के अलावा किसी को भेजने वाले है? क्योंकि अगर वासु कोई टास्क परफॉर्म ना करे तो भाई 50% हो जाता है उनके चांस जीतने के, और वासु कोई टास्क परफॉर्म करता है ना भाई अभी फिलहाल तो एकदम 100% हो जाता है उनके वो टास्क जीतने का। तो आप खुद ही सोचो है टिकट टू फिनाले में तनु और पल्लवी को भेजा जाएगा, आप इतना दिमाग एक बार खुद ही लगा के देखो। चलो आप लोग बोलोगे कि फाइट की वजह से पेनल्टी लगा दी हो, बट अगर आपने प्रोमो गौर से देखा हो तो उस फाइट के अंदर वासु नहीं थे, तो वासु को तो परफॉर्म करना चाहिए था ना फिर वो वाला टास्क, बट वो हमें वासु भी देखने को नहीं मिल रहे, तो फील हो रहा है भाई। अब आप लोगों का ओपिनियन बताना, टास्क विनर मैंने बता दिया, वोट आउट भी मैंने आपको बता ही दिया, अब लड़कियों का एलिमिनेशन हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। तो यार बस यही कुछ चीजें हमें देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।